हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वाला मेरा मेकअप लुक जो आप देख रहे हैं, ये वाला मेकअप लुक ही आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है, कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, इस वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे स्टार्टिंग में देखिए, हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रखा है और मॉइस्चराइज करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम। और ये वाला सीरम मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट रहता है, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए रोज़ हिप सीरम बहुत अच्छा होता है। इसे हमें सिर्फ अपने फेस पर वन वन ड्रॉप ही डालना होता है और पूरे फेस पर बहुत अच्छे से हमें इसे मैश कर लेना है, ताकि बिल्कुल हमारी स्किन ड्राई ना लगे। अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है। और नेक्स्ट, इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है प्राइमर। तो प्राइमर जो लिया है मैंने, लैक्मे का लिया है, लैक्मे 9 to 5। ये वाला प्राइमर भी बहुत अच्छा है, इससे हमारी स्किन जल्दी से, मतलब मेकअप रिमूव नहीं होता है, लॉन्ग टाइम मेकअप चलता है और बहुत अच्छा सा इससे शाइनिंग भी आती है फेस पर। तो ये वाला प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हमें लेना होता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो मैंने लिया है, फिट मी फाउंडेशन है मेरा, मेबलिन का। ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा है और मेरा शेड है 102, जो कि मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। फाउंडेशन आप तब भी लें, हमेशा अपनी स्किन के साथ मैच करके ले सकते हैं। तो मेरी स्किन के साथ यही वाला फाउंडेशन अच्छे से मैच होता है। शेड नंबर है इसका 102, नॉर्मल टू ओनली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है ये। नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई ऑयली स्किन के लिए भी, सभी के लिए ये वाला अच्छा होता है। और मैं हमेशा देखिए यही यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि अच्छा सा एकदम, जब हम मेकअप करते हैं तो शाइनिंग आती है। और इसे लगाने का क्या होता है कि इसे लगा के थोड़ी देर हमें रुकना होता है, और तब हम इसे लगा कर थोड़ी देर इसे अपनी स्किन पर अच्छे से अब्जॉर्ब होने देते हैं, तो बहुत अच्छा सा ये बाद में शाइनिंग आती है फेस पर। तो आप इस वाले मेबलिन के फाउंडेशन को लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमें फाउंडेशन के बाद लगाना होता है वो क्रीम लगानी होती है। तो क्रीम अगर आप कोई सी भी लगाना चाहते हो, कोई सी भी लगा सकते हो, जो भी आप लगाते हो। तो मैं यहाँ पर लैक्मे की ही क्रीम यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही ली है। और लैक्मे क्रीम मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास सीसी है, इसमें बीबी भी आती है, फेयर एंड लवली, बहुत सी क्रीम होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लैक्मे 9 to 5 सीसी क्रीम लिया है, जो कि मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं अपनी ड्राई स्किन को देख कर ही सभी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब हम ड्राई स्किन वालों के लिए क्या होता है कि हम स्किन पर कुछ भी लगाते हैं तो कई बार फटाफटा सा दिखने लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर सब कुछ देखना होता है मुझे। इसके बाद हमें, हमारी क्रीम अच्छे से मैश हो गई है, अब हमें करना है अपनी आँखों को फिल। तो देखिए, मैंने आँखों को फिल करने के लिए सबसे पहले अपना आई शेडो ले लिया है। आई शेडो मैं यहाँ पर लाइट लाइट कलर के ही लगाऊंगी। तो इस तरीके से लेकर देखिए, आप जो भी कलर आपको अपनी पसंद से ले सकते हो। मैंने यहाँ पर बहुत लाइट कलर लिया है, तो मुझे लगा मैंने दो लाइट कलर लेने हैं, एक इसमें, क्योंकि मेरी साड़ी देखिए हल्का इसमें पिंक भी है और डार्क इसमें ब्लैक भी है। तो मैंने यहाँ पर पहले इसमें पिंक कलर लिया है, पिंक है, हल्का हल्का ऑरेंज से टाइप का है, पिंक भी नहीं है ये। तो पहले ये वाला कलर ले लेना है। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मैश करके अपनी आँखों के ऊपर से बहुत अच्छे से लगा लेना होता है। इसके बाद फिर हमें इस पर थोड़ा डार्क लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा इसको ब्राउन सा कलर देने के लिए, डार्क सा, इसकी इसी के ऊपर हमें दूसरा शेड लगाना है। इससे क्या होता है कि जब हम डबल शेड लगाते हैं तो लाइट कलर जो होता है ये ऊपर की साइड से दिखाई देता है, और डार्क कलर जो होता है ये नीचे की साइड से दिखाई देता है। तो ये बहुत ही सुंदर सा देखने में लगता है लाइट कलर के ऊपर, तब हम डार्क कलर लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क देखिए मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हल्के लाइट कलर और शाइनिंग वाले मेरे आई शेडो हैं। तो इस तरीके से जब हम लगा देते हैं, तो लेकिन जब आपको ध्यान रखना होता है कि अगर एक्स्ट्रा आपके पास पाउडर है, आई शेडो है, तो उसे आपको एक्स्ट्रा को उतार देना होता है, ताकि हमारे ऊपर, मतलब कपड़ों पे ना गिरे इस तरीके से। सो यहाँ पर देखिए मैंने लगा लिया है, और इसी को मैं
अपनी आंखों के नीचे की साइड बिल्कुल हल्का सा, एक जैसे जैसे कि हम काजल लगाते हैं उसी तरीके से नीचे की साइड हमें इसे लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है देखिए आईब्रो को, तो आईब्रो पेंसिल से मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी। आईब्रो भी फिल करने से आँखें बड़ी बड़ी लगती हैं और हल्का डार्क कलर सा आ जाता है, तो इस तरीके से हमें अपनी आईब्रो को फिल कर लेना होता है। इसी आईब्रो पेंसिल के साथ पीछे की साइड इसमें आता है ब्रश, तो ब्रश से हम इसे अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, तो आईलाइनर आप लिक्विड भी लगा सकते हो और पेंसिल वाला भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए पेंसिल वाला ही यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल वाले का क्या होता है कि ये बहुत अच्छे से लग जाता है, इधर उधर नहीं होता है, और लिक्विड वाला जब हम लगाते हैं तो कई बार होता है कि वो बहुत जल्दी से नहीं लग पाता है और इधर इधर फैल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना आईलाइनर लगा लिया है दोनों आईज़ में। अब नीचे की साइड जो हमें लगा लेना है काजल, काजल भी मेरे पास ये लैक्मे का ही है। लैक्मे का काजल बहुत अच्छा होता है, वाटर प्रूफ होता है, जल्दी से फैलता नहीं है, उतरता नहीं है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसके बाद यहाँ पर मैं लगा लूँगी मस्कारा। मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, मस्कारा लगाने से हमारी आईब्रो जो होती हैं, पलके जो होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े लगने लगती हैं और सुंदर लगती हैं देखने में। इससे हमें आईलैशेस लगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, और अगर हम बाहर जा रहे हैं तो आईलैशेस लगा सकते हैं, लेकिन हम अभी अपने घर में हैं तो यहाँ पर हमें देखिए आईलैशेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के लाइट लाइट कलर में ही मेरी आंखें देखिए बिल्कुल फिल हो गई हैं, और आंखों पर मेकअप करने के बाद आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लगा लेंगे अपना लिप लाइनर। तो लिप मैंने जिस कलर की मुझे लिपस्टिक लगानी है उसी कलर का शेड मैंने लिप लाइनर का लिया है। तो लिप लाइनर से जब हम शेड करते हैं अपने लिप्स को, तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारी लिपस्टिक ज़्यादा टाइम तक चलती है और कलर भी एकदम डार्क आता है। तो आप लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा लिप लाइनर ज़रूर यूज़ करें, बहुत अच्छा लुक आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अपना लिपस्टिक, और लिपस्टिक भी मेरा ये लैक्मे पेंसिल वाला ही है जो कि बहुत अच्छे से शाइनिंग वाला है, और इसे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है, एकदम खिल कर आता है, और ये वाला लिपस्टिक जो है उतरता भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मुझे देखिए लगा लेना है बिंदी को, और बिंदी हमारा जो कि अच्छी होती है, सुंदर लगती है देखने में, और बिंदी के बिना लगता ही नहीं कि हमने मेकअप कंप्लीट हो चुका है। और ज़्यादातर की साड़ी पर तो जब हम बिंदी लगाते हैं तो बहुत सुंदर सा लुक देखने में लगता है, साड़ी के साथ बिंदी एकदम खिलकर दिखाई देती है। और अब यहाँ पर मेरा ये वाला मेकअप तो हो चुका है, इसके बाद मैंने अपनी चूड़ियों को पहन लिया है। सो फाइनली फ्रेंड्स देखिए मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। चूड़ियों के बाद मैंने अपने इयररिंग भी डाल लेने हैं। इयररिंग मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिए हैं जो कि साड़ी के ऊपर सुंदर लगते हैं, तो थोड़े बड़े वाले इयररिंग हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर नंबर है हमारे हेयर का, तो हेयर तो कोई भी हेयर स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, खुले रख सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो अपने दिमाग से। और नेक्स्ट यहाँ पर सबसे बाद में मैं हाइलाइटर लगाना भूल गई थी, तो हाइलाइटर को भी थोड़ा मैंने अपने चीक पर और अपनी नोज़ पर आइज़ पर थोड़ा थोड़ा हम लगा लेंगे। तो हाइलाइटर से क्या होता है कि एकदम शाइनिंग सी आ जाती है और चमकने लगता है मेकअप। तो यहाँ पर देखिए मेरा सब कुछ पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, और हाइलाइटर जब हम लगाते हैं तो इससे एकदम अच्छा सा लुक आता है देखने में। और अगर हम हाइलाइटर को अपनी आँखों के नीचे की साइड भी थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं तो उससे आँखें भी बहुत सुंदर लगती हैं और एकदम अच्छी लगती हैं देखने में, खिली खिली सी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी हाइलाइटर को थोड़ा अपनी आईज़ के नीचे भी लगा लिया है। सो ये वाला मेकअप हमारा बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, अब करते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा मेरा ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल। सो ये वाला मेकअप ऐसा है कि आप किसी भी फंक्शन में कर सकते हो, अपने घर पर भी थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ सिंपल सा लुक हमने लिया है। और अगर आप चाहें तो अपने हेयर को बांध सकते हो या फिर आप कोई भी स्टाइल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने हेयर को देखिए खुला ही रखा है, कोई भी अच्छा सा अगर आप चाहें तो छोटा सा स्टाइल ले सकते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ से हो गया तो ये यहाँ से,
ये वाला लुक देखिए, इस तरीके से, इसी तरीके से, यहाँ से ये देखिए, इस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ से हम ले लेते हैं। Say goodbye yet? Can I change your mind? देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बहुत सुंदर लुक आता है और देखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।